हेलो साथियों, मैं महजली, स्वागत है आप सभी का फैक्ट न्यूज बुलेटिन यानी फैक्ट खबर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम एक नया न्यूज बुलेटिन लेकर आए हैं। इस बार का फैक्ट खबर 1 अगस्त से 31 अगस्त 2022 के बीच ही सभी प्रक्रियाओं को दर्शाएगा, तो बने रहे हमारे साथ इस न्यूज बुलेटिन के अंत तक। अब शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। फैक्ट के युवा लीडर के साथ सामुदायिक बैठक हुई, YW के ब्रिज कोर्स के सत्र हुए, GI स्टैम के बेल्विन के सत्र हुए, यूथ की आवाज में मनीषा की कहानी प्रकाशित हुई, YWLP बेल्विन के सत्र हुए, GI स्टैम प्रतिभागियों के साथ आविष्कार द्वारा सत्र लिए गए, GI स्टैम प्रतिभागियों के ब्रिज कोर्स के सत्र हुए, जेंडर स्टैम फेलोशिप के सत्र की समाप्ति हुई, नेस्कॉम फाउंडेशन पार्टनर कॉन्क्लेव में रूबी और सिमरन स्पीकर के तौर पर जुड़े, झारखंड में पैड प्रोजेक्ट का कार्य जारी रहा, संविधान लाइव BA जागरिक का हिस्सा पूनम और सिमरन बने, GI स्टैम और लर्निंग कम्युनिटी के प्रतिभागी साइंस म्यूजियम गए, सामीकरण पहल के सत्र हुए जिसमें चेंज मेकर एक्शन के सत्र हुए, तकनीकी सत्र हुए, वेल्बिंग के सत्र हुए, HR यानी मानव संसाधन के सत्र हुए, अकाउंट और फाइनेंस के सत्र हुए। अब सुनते हैं खबरें विस्तार में। युवा लीडर के साथ सिमरन द्वारा सामुदायिक बैठक ली गई। इस बैठक में सभी के साथ स्वास्थ्य के बारे में हालचाल लिया गया और रोज समाचार देखना क्यों जरूरी है इस पर चर्चा हुई। आइए जानते हैं एक प्रतिभागी से इस बैठक के बारे में। हेलो सभी को, मेरा नाम सुमी है। अगस्त महीने में कम्युनिटी मीटिंग हुआ जिसमें लेवल 3 के लीडर्स भी जुड़े। इसमें हेल्थ कैंप का अपडेट साझा किया गया, इसमें नकली समाचारों पर चर्चा की गई और इसके बारे में बात की, समाचार को कैसे ढूंढे और उसे पढ़ा जा सके। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सही न्यूज ढूंढना मुश्किल है, लेकिन ढूंढा जा सकता है। और समाचार पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है और ऑनलाइन समाचार पत्रों से समाचार कैसे पढ़ा जाए, इस पर चर्चा की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिज कोर्स के प्रतिभागियों के साथ इस महीने जेंडर प्रतिशतता यूनिकता पर सत्र हुए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस बार GI स्टैम वेल्बिंग सेशन रूपाली द्वारा लिए गए। आइए जानते हैं इस सत्र के बारे में GI स्टैम टीम से। रूपाली द्वारा वेल्बिंग सेशन किए गए जिसमें प्रतिभागियों को मानसिक तनाव के बारे में बताया गया। इसके साथ ही प्रतिभागियों को रूपाली द्वारा मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई। वेल्बिंग सेशन में प्रतिभागियों द्वारा रूपाली को बताया गया कि उन्हें मानसिक तनाव किस प्रकार से होता है, जैसे कि प्रतिभागियों के दैनिक जीवन में होने वाली समस्याओं को जिनको वो बार बार सोचते रहते हैं जिससे उन्हें तनाव महसूस होता है, और सोशल मीडिया इनके द्वारा भी वो तनाव महसूस करते हैं। युग के आवाज में मनीषा की कहानी प्रकाशित हुई। आइए सुनते हैं मनीषा की कहानी के कुछ अंश और देखते हैं कुछ झलकियाँ। काम कर कर आते फिर बाद में बैग लेकर चले जाती है, कहाँ पर जाती है और उसकी माँ ने इतना छूट क्यों दिया है। फिर मैं कोविड में तो वो राशन मिशन बांटने का काम होता था ना, तो तब सब भाई लोग आके मुझे पूछते थे कि हम मेरा नंबर दे, मुझे राशन दे, मुझे ये दे। स्कूल में थी तब मैं डेस्कटॉप मतलब देखने की बट उसको कभी हाथ नहीं लगाई थी। सर लोग बोलने के ना कुछ हो गया तो तुम्हारे ऊपर आएगा ये होगा, तो उसके डर से मैं नहीं जाती थी उसके आसपास। फिर बाद में जब मैं फैट में गई, मैं आके मैंने डेस्कटॉप सीखा जो कि मेरे लाइफ में अभी बहुत ही काम को आ रहा है, और मैंने कैमरा भी सीखा, फिर बाद में लैपटॉप सीखा, और अभी फोन के भी कुछ कुछ पार्ट्स थे जो कि मुझे पता नहीं थे बट मैंने फैट में आके फोन के भी पार्ट्स सीखा है। ये मेन स्विच में मतलब बोर्ड में कुछ हो गया तो मैं वो भी ठीक कर सकती हूँ, इधर में कुछ मोटर का भी कुछ प्रॉब्लम होगा ना तो मैं ही ठीक कर दूँ अभी। इस बार वेल्बिंग के सत्र में विधि द्वारा कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात हुई। आइए जानते हैं विस्तार से। हेलो सभी को, मेरा नाम सुरुचि है। अगस्त के महीने में विधि द्वारा वेल्बिंग सेशन लिए गए। वेल्बिंग क्या है? समय प्रबंधन और भोजन पर चर्चा। तीसरा सत्र पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व क्या है, हम अपने व्यक्तित्व के दिशा में कैसे काम करें। आखिर में खुद से जुड़ाव महसूस करने के तरीके पर चर्चा। इन सभी विषयों पर सेशन हुई। GI स्टैम प्रतिभागियों के साथ आविष्कार द्वारा कुछ सत्र लिए गए। इन सत्रों में गणित और विज्ञान को अलग अलग गतिविधियों के द्वारा समझाया गया। थोड़ा और जानते हैं सत्र के बारे में। अगस्त महीने में आविष्कार के द्वारा विज्ञान के सेशन लिए गए जिसमें प्रतिभागियों को ठोस द्रव्य और गैस और कणों के बारे में आसान भाषा में समझाया गया कि कुर्सी टेबल और लोहे का सामान ये ठोस वस्तुएं हैं, और उन्होंने बताया कि दूध पानी और चाय ये तरल में आते हैं, गैस में हवा और धुआं आते हैं, इन्हीं के ऊपर आविष्कार द्वारा साइंस के सेशन दिए गए। GI स्टैम प्रतिभागियों के साथ ब्रिज कोर्स के सत्र। इस महीने उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में अलग अलग उपकरणों का इस्तेमाल किया, साथ ही इलेक्ट्रिक बेल और DC मोटर पर कार्य किया।
अगली खबर जेंडर स्टेम फेलोशिप के बारे में है। इस महीने जेंडर स्टेम फेलोशिप के सत्र की समाप्ति हुई, सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट भी दिए गए। चलिए जानते हैं सहभागी से। हेलो सभी को, मेरा नाम सरिता है। अगस्त का महीना जेंडर स्टेम फेलोशिप का क्लोजिंग महीना था। इस बार का सेशन 2 दिन का आवासीय सेशन था। इस क्लोजिंग सेशन में सभी लोग जुड़े थे। सभी के परिचय के बाद फील्ड विजिट प्रेजेंटेशन साझा किया। इसके बाद पूरन ने हैंड ऑन एक्टिविटी करवाया, जिसमें हमने SSD 7 सेगमेंट डिस्प्ले का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सभी संस्थाओं को अपना या अपने संस्था का नाम लिखना था, जिसको हमने प्रोजेक्ट का नाम अपना नाम रोशन करना रखा। दूसरे दिन हमने सेशन की शुरुआत 15 महीने के रिकैप से किया और इस सेशन के बाद वेलबिंग को लेकर बात किया, जहां सज्जोत ने किए हुए सेशन का रिकैप करवाया और वीडियो के साथ शुरू किया और अंत में सर्टिफिकेट देते हुए क्लोज किया। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। अब आगे बढ़ते हैं रेस्पॉन्ड फाउंडेशन पार्टनर कॉन्क्लेव में रूबी और सिमरन फैट से जुड़े। इसमें अलग अलग संस्था और इंस्टीट्यूट से लोग जुड़े थे और कई विषयों और तकनीक पर भी चर्चा की। रूबी और सिमरन ने तकनीक और महिला सशक्तिकरण पर अपनी बातों को रखा। चलिए देखते हैं इस दौरान की कुछ झलकी। तो जो सबसे बड़ा इशू मुझे टेक्नोलॉजी में पावरबैंक की बात करते हैं, वहाँ ओनरशिप बहुत समझ में आता है, क्योंकि जैसे उन्होंने भी कहा था कि हमारे जब घर में किसी भी लड़की के लिए पहला फोन आता है तो वो जो है आपके पापा का होगा या आपके भाई का होगा या अगर आपके हस्बैंड है तो उनका होगा, है ना। और वहाँ पर वो ओनरशिप ऑटोमेटिकली चली जाती है, बिकॉज उनका राइट है कि वो आपसे वो फोन कभी भी वापस ले सकते हैं। मैंने अपनी समुदाय में सबसे पहले ये काम करना शुरू किया कि अर्लियर कोर्स मैच पे बात करना। हमने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी तोड़ो बंदिशें, जिसको हमने अपने समुदाय में दिखा था। उसमें मैंने खुद रोल प्ले किया था, खुद शूटिंग भी की थी अपने और प्लेयर्स के साथ। जब मैंने वो अपने समुदाय में दिखाया था, वो कहीं ना कहीं बिल चेंज लेके आया था एक टेक्नोलॉजी के जरिए, कि समुदाय के लोग एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर पाए थे अर्ली एनफोर्स मैच करने से क्या असर हो सकता है एक वुमेन पे, उसके हेल्थ पे, उसके एजुकेशन पे, उसको कितनी सारी चीजों से दूर रखा जा सकता है अगर उनकी शादी जल्दी कर दी जाती है। तो वो उस समय से लेके मैं इस समय की बात बोल सकती हूँ कि ये चेंज एकदम से नहीं आया, चेंज आने में समय लगा है। 2017 से अब 2022 हो गया है। प्लीज अभी मेरे समुदाय में ये कि शादी करने से पहले महिलाओं से पूछा जाता है या लड़की से पूछा जाता है उनकी क्या मर्जी है। जिस टाइम मैंने अपने समुदाय से जॉब करने निकली थी, उस टाइम एक या दो लड़की रहती थी जो जॉब करती थी, पर एटलीस्ट वो अभी चेंज पाए कि एटलीस्ट वो अपनी मर्जी से कहीं पे भी नौकरी कर सकती। इस बार पैट प्रोजेक्ट के कार्य में हमारे झारखंड लीडर्स ने सिलाई मशीन की बारीकियों को समझा। आइए जानते हैं झारखंड लीडर्स के अनुभव। हेलो एवरीवन, मेरा नाम खुशी है और इस महीने हमने अपने टेक सेंटर में 2 महिलाओं को बुलाया था, आरती देवी और मंजू देवी को, ताकि वह हमें मशीन कैसे चलाते हैं उसको सिखा पाए, धागा हम किस तरह से पास करते हैं वो हमें बता पाए। और उन्होंने हमें बताया कि सिलाई मशीन चलाते समय हम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा हमने सिलाई मशीन की कई बारीकियों एवं उसके पार्टों को समझा। सारे सेशन खत्म होने के बाद हम सभी लीडर सिलाई मशीन चलाने की प्रैक्टिस किए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निलम मीरा है और मैं ग्रीन टेक सेंटर से हूँ। सभी झारखंड लीडर्स ने काम किया था और साथ ही हम लोगों ने 500 पैक का कटिंग किया है, और जिसमें से फैनल कपड़ा था हमारा, कैसमेट कपड़ा था, रनिंग कॉटन कपड़ा था, और इसको काटने के बाद हम लोगों ने इसे धीरे धीरे पैकिंग भी किया, इसमें बटन भी लगाया, इसको सिलना भी हम लोगों ने, ताकि जिस तरह सारा काम हो जाने के बाद हम लोगों ने 150 को पैकिंग किया है। उसके बाद उसी दौरान में हमारा कुछ लीडर झारखंड के कार्ड प्रिंटिंग के लिए उन्होंने गया उस काम को लेकर, और हमारा काम काफी अच्छे से जोर से चल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूनम और सिमरन संविधान लाइव दिया जागरण का हिस्सा बने। इस दौरान उन्होंने गेम के जरिए संविधान को समझा और नए लोगों से भी मिले, अब कुछ साथ का हिस्सा भी बने। चलिए जानते हैं सिमरन से। संविधान दी जागरण करके वर्कशॉप में गई थी, 4 दिन की आवासीय वर्कशॉप थी, उसमें मैं और पूनम गए थे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग रहा हमारे लिए, बहुत लर्निंग भरा रहा, क्योंकि वहाँ पे हमने संविधान के बारे में जान पाया और वहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए थे। जब हम संविधान के बारे में सुनते हैं तो बहुत सारे थॉट प्रोसेस होते हैं कि ये सेक्शन होगा, ये कानून है, ये है, बट हमने वहाँ पे बहुत बेसिक तरीके से सीखा कि पहले हमारा संविधान लिखा क्या है, क्या हमारे प्रीएम्बल है, उसके बारे में हमने जाना, और जाना कि कैसे हम संविधान को और समझ सकते हैं, और प्रीएम्बल में कैसे हमारे वैल्यूज प्रिंसिपल उसमें आते हैं। तो उन्होंने हमें एक गेम दिया है जिसमें हम संविधान कैसे, हमारी जिम्मेदारी क्या है उसमें, भूमि क्या है, जो हम सीख सकते हैं।
तो उस गेम के जरिए हमने खेला और जाना कि मेरी क्या जिम्मेदारी है और उसमें मेरी क्या भूमिका है। तो जो भूमिका और जिम्मेदारी है हमारी, उसमें हमने एक गेम खेला था जिसमें मेरा टास्क जो था फंड रेजिंग का था कि हमें फंड रेज करना है एकदम मिनिमम 24 घंटे के अंदर। और हमने जब फंड रेज करना शुरू किया, हमने अलग अलग लोगों को रीच किया, जहाँ पे मैं महसूस कर पाई कि कितना मुश्किल होता है कई बार लोगों से बातचीत कर पाना, बट बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है कि आप कन्वर्सेशन जो बातचीत है वो शुरू कैसे कर रहे हो। तो जब मैंने लोगों से बातचीत करना शुरू किया, मैंने और पूनम ने मिलके, तो हमने एटलीस्ट 10,000 रुपये इकट्ठे किए थे, जिसको देख के हम सबसे ज़्यादा खुश हुए थे कि हमने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। और वो पैसे जो है, जिसमें से कुछ पैसे मैंने ऑलरेडी एक संस्था को डोनेट कर दिया है जिन्होंने बच्चों के लिए वो पैसा यूज़ किया है, और कुछ पैसे बचे हैं जो मैं फैट को बाद में दे दूंगी। तो ये एक हमारा टास्क था। दूसरा हमारा एक टास्क था कि हमने कैसे अगर जिस स्पेस में हम रह रहे थे वहाँ पे डिसेबल अगर लोग आते तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो भी हमने किया था, जिसमें मॉडिफाई कर पाए थे कि वहाँ पे जो चलने का स्पेस है उसको था ध्यान देना है, जो लोग पहचान पाए छू के या महसूस करके वो पहचान पाए, तो इस तरह के अलग अलग चीज़ें थी। तो क्वाइट मतलब बहुत इंटरेस्टिंग रहा, हम लोगों ने काफी मजे किए और काफी अलग लोगों से मिल पाए जिनके अनुभव हम जान पाए। धन्यवाद हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। इस बार GHCAM प्रतिभागी और लर्निंग कम्युनिटी के प्रतिभागी लैंडिंग एक्सपोजर विजिट के लिए दिल्ली के साइंस म्यूजियम गए। इस विजिट पर उन्होंने कई आधुनिक चीजें देखी और अनुभव की। आइए जानते हैं GHCAM के प्रतिभागी से। हम लोग साइंस म्यूजियम गए थे। मैंने साइंस म्यूजियम में मछलियों के बारे में जाना कि कैसी कैसी मछलियाँ होती हैं, और मैंने ये जाना कि मतलब पहले जमाने में इंसान कैसे रहते थे और क्या खाते थे क्या पीते थे। और मैंने ये भी देखा था कि जो कंकाल थी साइकिल चला थी और गुफा के अंदर गए थे, उसके इधर इधर देखे थे कि डायनासोर की और हॉर्स भी था कि उसका मुंह कैसे खुला था, जब बाद में देखा तो वो बंद हो गया था। मैंने वहाँ पे जल चक्र के बारे में जाना कि बारिश कैसे होती है, पहले जो पानी होता है वो भाप बन के बादलों में जाता है और जब बादल पानी से भर जाता है तो वो पानी का भार सह नहीं पाता, जिससे कि वो फिर बारिश हो जाती है। अब अगली चेंज मेकर के सेशन में क्या क्या हुआ, आइए मैं आपके साथ साझा करती हूँ। चेंज मेकर एक्शन सेशन में पब्लिक स्पीकिंग और लेवल 3 की रणनीति को लेकर बात हुई। दूसरे सेशन में फीडबैक रिपोर्ट और सह डिजाइन मूल्यांकन प्रश्नावली पर काम किया। तीसरे सेशन में निस्वार्थ सखी फंड पॉलिसी के कुछ मुख्य बिंदु पर चर्चा की गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेवल 3 के साथ तकनीकी सत्र कराए गए। इस सत्र में उन्होंने टाइमशीट, कैलेंडर अपडेट और कैनवा का उपयोग करना सीखा। आइए जानते हैं इस सत्र में खुशी और कुसुम ने क्या क्या सीखा। पहले सेशन में हमने कैलेंडर टाइमशीट के बारे में जाना कि कैलेंडर से किस तरह से टाइमशीट बना सकते हैं और उसे एडिट कर सकते हैं। दूसरे सेशन में हमने लेवल 3 के कैलेंडर के सेटिंग के बारे में जाना कि हम कैसे उस कैलेंडर को अपने फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप पे कनेक्ट करके उनके सेटिंग में अपने अनुसार बदलाव कर सकते हैं। टेक्निकल के तीसरे सेशन में हमने गूगल स्लाइड के बारे में जाना और उसे बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमने वो सीखा, और एनिमेशन, शेयर स्लाइड शो और कमेंट्स करने के बारे में जाना। चौथे सेशन में हमने कैनवा ऐप के बारे में जाना, उसमें किस प्रकार हम डिजाइन बना सकते हैं और अपने काम में उस डिजाइन का उपयोग कर सकते हैं। अब हम जानते हैं अपनी अगली खबर के बारे में। इस बार लेवल 3 के साथ मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा को लेकर प्रेरणा सत्र, चलिए जानते हैं इस बारे में और विस्तार से। का पहला विषय स्वस्थ जीवन शैली में पोषण का महत्व था। इस सत्र को डॉक्टर मानसवी और डॉक्टर हर्षिता ने लिया था। वेलनेस का दूसरा और तीसरा सेशन साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड पर था। समुदाय में किए गए गतिविधियों को रिफ्लेक्शन द्वारा साझा किया गया। इस सत्र में साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड क्या होता है और हम इस ट्रेनिंग के तहत क्या चीजें कर सकते हैं और क्या चीजें नहीं कर सकते वह भी जानने को मिला। इसके बाद सभी को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ता हुआ कलर कोडिंग के बारे में भी बताया गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। मानव संसाधन के सत्र में चेकलिस्ट और रोस्टर पर काम हुआ। आइए जानते हैं लेवल 3 की लीडर रानी से। पहले सत्र में हमने रिकैप किया ताकि हम चीजों को याद कर सके। दूसरे सत्र में हम सभी ने चेकलिस्ट और रोस्टर के ऊपर बातचीत की कि वो क्यों जरूरी है। तीसरे सत्र को आगे ले जाया गया ताकि हम अच्छे से चेकलिस्ट और रोस्टर को समझ सके कि रोस्टर हम किस तरीके से बना सकते हैं, हम उसमें क्या चीजें डाल सकते हैं और किस तरह से अपनी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। चौथे सत्र में हम सभी ने चेकलिस्ट बनाया ताकि हम और भी अच्छे से समझ सके। धन्यवाद रानी हमारे साथ साझा करने के लिए।
चलिए अब मैं आपको अकाउंट ऑफ फाइनेंस के सेशन में क्या हुआ ये बताती हूँ। फैट के अकाउंट फॉर्म का रिव्यू किया गया, इसी के साथ सभी प्रतिभागियों को एक परिस्थिति दी थी, उसी के ऊपर उन्होंने सभी से सवाल पूछे ताकि सभी अकाउंट फॉर्म को सही से भरना सीखे। और दूसरे सेशन में हमने सीखा कि एनजीओ क्या होता है, एनजीओ कितने प्रकार के होते हैं, एनजीओ से संबंधित सभी विषयों पर बात की। तो आज का फैट खबर बस यही था। धन्यवाद आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन के अंत तक बने रहने के लिए। आशा करते हैं आप सभी को फैट में हुई गतिविधियों के बारे में कुछ और पता चला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले महीने। और हाँ, अगर फैट खबर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और फैट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।